हे गाइस, दिस इज खान उस्मान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज संडे है और हम सब दोस्त लोग सब फ्री है। हारून भाई, समीर, मोइन, हम सब लोग फ्री है और हम लोग ने सोचा है कि हम लोग जाके कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे कि फ़िशिंग करेंगे, फिर फिश को कुकिंग करेंगे और अपनी फ़िश इन्जॉय करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, चलो चलते हैं। तो अभी हम लोग चार जन हैं और ऑन दी लोकेशन जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं वहाँ पे हम लोग के और भी दोस्त लोग हैं, अवेलेबल है वहाँ पे पहले से ही है। तो हम लोग यहाँ से बस निकल चुके और आधा घंटा या 45 मिनट का रास्ता है, तो बस देखते हैं पहुँच के क्या होता है। उम्मीद तो है बहुत अच्छा होगा जो भी होगा, क्योंकि है मन में गट्स है मेरे कि यहाँ के ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ भारी होने वाला है। तो देखते हैं जाके क्या होता है। लोकेशन था वहाँ पे हम लोग पहुँच गए। ये हमारे हारून भाई छाता लेके खड़े, फ़ोन को बचा रहे क्योंकि हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फ़ोन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाकिम भाई ये हमारे बहुत ही खास दोस्त है जो पानी में गोता लगाते हैं, गोता घोड़े और ये पबजी खेलने आए हम लोग यहाँ पे। क्या बोला तूने? सामान्य चाकू और मसाला मछली पे लगाने के लिए सब लेके आए, तो चलो चलते हैं फटाफट। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है। ज़्यादा दूर नहीं है, बस खाली अभी 2 से 5 मिनट का रास्ता है जहाँ पे हम लोग फिशिंग करने जा रहे हैं। बस पहुँच के मालूम पड़ेगा वहाँ के क्या हालात है, बारिश तो बहुत है। हम लोग यहाँ फिशिंग करने वाले और आप लोगों को मैं दिखा दूँ कितना स्कैरी है, और यहाँ पे बहुत सारे सांप है और पानी के अंदर मगरमच्छ भी है और बहुत सारे से छोटे छोटे इंसेक्ट्स है जिनके बारे में हम लोगों को कोई नॉलेज नहीं है कि किसके काटने से क्या होने वाला है। बहुत डर लग रहा है पर ठीक है, करेंगे। फिशिंग रॉड था नहीं तो ये हम लोग ने किया है देसी जुगाड़ बोले तो यूपी या फिर एमपी साइड में जो मतलब कि गांव वाले लोग हैं उन लोग ऐसी करके फिशिंग करते, तो हम लोग ने भी वैसे ही बनाया। तो देखते सफलता मिलती है कि नहीं, कितनी मछली फंसती है और कितनी फ्राई होती है और कितनी भूंज के खाते हैं। तो बताता हूँ मछली मारेंगे कैसे, कि हम लोग कैसे पकड़ेंगे। ये कांटा है, ये कांटे में हम लोग लगाएंगे मछली का खाना। अब मछली का खाना जैसे हो गया अर्थवॉर्म, जिसको बोलते केचुआ, तो केचुआ इसमें लगाएंगे और इसको पानी में डालेंगे। ये हमारे हाथ में रहेगा लकड़ी और ये रहेगा पानी के ऊपर। जैसे ही ये पानी के अंदर गया तो मतलब मछली इसमें फंस चुकी है, तो उसको घसीट लिया जाएगा। जब घसीटा जाएगा तो मछली हाथ में। घंटा हो गया, 1.5 घंटे से खाली एक ही मच्छी फंसी है। वापस काटा डाल रहे हम लोग, अभी तक हम लोग ने कम से कम 15 मच्छी पकड़ ली। ये है बाल्टी, तो मछली पकड़ के हो चुका है
और अभी मछली को साफ करने का काम चालू है। और ये इतनी सारी मछली हम लोग ने पकड़ी। मोइन भाई इसको थोड़ा हिला हिला के दिखाओ। और सब जिंदा मछली है। तो अभी बारिश हो रही है और बारिश में हम लोग आग जला नहीं पाएंगे, तो उसके लिए हम लोग बांध रहे ताड़पत्री। इसके नीचे हम लोग जलाएंगे आग, फिर वहाँ पे होगी हमारी फिश फ्राई। तो गाइस मछली कट हो चुकी है और अभी इसको धोना बाकी है। बहुत मेहनत लगी, देखो लाइट क्या थी, लाइट एकदम उजाला था। और अभी एकदम रात हो चुकी है, एकदम रात नहीं मतलब अभी शाम हुई है। मछली कट के रेडी है। ये हमारी मछली है, अभी इसको धोना है खाली, तो अभी धोएंगे। तो गाइस फिश वॉश हो चुकी है, मतलब हो रही है। सो गाइस ये मसाला, ये मेरे घर से मेरी मम्मी ने मुझे दिया है, तो ये काम हमको इजी हो गया। इसके लिए कोई टास्क नहीं करना पड़ेगा ये, क्योंकि हमको बना बनाया ही मिल गया है। और अब इसमें हम फिश को डिप करेंगे ऐसे, और फिर तवे में फ्राई करेंगे। सो गाइस आग नहीं पकड़ रही है, अभी देखते हैं क्या होगा। आग क्योंकि पकड़ नहीं रही, हम लोग अपना 100% ट्राई कर रहे हैं, ऊपर से पेट्रोल डाल रहे हैं ऐसा धीरे धीरे कि आग पकड़ ले, थोड़ा गर्म हो जावे धीरे धीरे करके। तो यहाँ कोयला जल नहीं रहा है और सबकी आस लगी हुई है कि सबको मछली खाना है। कोयला ही नहीं गर्म हो रहा है यार, कोयला गर्म हो जाएगा तो शायद कुछ खाने भी मिल जाए। पेट्रोल खत्म होते जा रहा है पर आग नहीं जल रही है। और हाँ यहाँ पे फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे सांप है, बहुत सारे जानवर है। अभी मेरे को भी याद आया। One hour later. तो आग लग चुकी है और अभी इसमें तेल डाल रहे। तो गाइस तेल गरम हो चुका है, इसका मसाला डाल के देखे हमने, तेल गरम हो गया। तो पहला पीस डाल रहे हम लोग, बिस्मिल्लाह। करके देखते पक गई है कि नहीं। सो गाइस रात बहुत हो चुकी है, बहुत मतलब रात के 9:30 तो बज ही रहे, क्योंकि उसको आग लगाते लगाते बहुत ज्यादा टाइम हो गया। और मछली का पहला सेशन तो हम लोग ने खा लिया है, और दूसरा लाइन पे ही है, मतलब थोड़ा सा गरम होना बाकी है, थोड़ा सा बाकी है, उसको भी खाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई और हम लोग को यहाँ से निकलना है। तो भाई ये सेशन भी हम लोग का हो गया डन, अब हम लोग इसको खा के यहाँ से जाने वाले। इतना मुश्किल और इतना कठिन काम था ये कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पन हो गया सब ठीक से, सब अच्छे से हो गया। तो गाइस ऐसी और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स और वीडियोस देखने के लिए मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो। ये मेरा पहला व्लॉग है, पन इसके बाद भी और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे हम लोग। तो दीपक भाई हाँ। क्या करना है, बने रहिए हमारे साथ ऐसा अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। चैनल पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। क्या बोला तूने, नागपुरी बंद है मेरी। लाइक करना है और सब्सक्राइब करे, बस लाइक और सब्सक्राइब। हकीम भाई क्या करना है, बस लाइक। क्या क्या करना है, तू तो बोल। लाइक एंड सब्सक्राइब। तो गाइस लाइक और सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।